नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन की, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पेन मुझे भी हो रहा है 3 दिन का लंबा कैंप करने के बाद। सो लो बैक पेन के बारे में बात करना बनता है, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन, आप सभी को कभी ना कभी लो बैक पेन हुआ है या होगा, लिख के ले लो, राइट। सो लो बैक पेन बहुत ही अति कॉमन है, और यहां पर लेकिन आज हम बात करेंगे क्रोनिक लो बैक पेन की। लो बैक पेन दो प्रकार, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट वाला बहुत ज्यादा इंजरी की तरफ जाता है, क्रोनिक वाला जाता है क्यों आपको बार बार बीच बीच में दर्द हो रहा है लंबे समय के लिए, वो भी इंजरी की तरफ जाता है, लेकिन वो उस टाइप की इंजरी की तरफ जाता है जो कि आप बिना रियलाइज करे कर रहे हो। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई यू माइट हैव क्रोनिक लो बैक। क्रोनिक लो बैक पेन क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे डायग्नोस होता है, क्या ठीक करना, क्या क्या करना चाहिए, एवरीथिंग, राइट। ऑल ऑथेंटिक, ऑल वेरीफाइड नॉलेज फ्रॉम यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So chronic low back pain hota hai. Low back pain wo jo aapko lower back mein peeth ke niche hisse mein dard ho raha hai. So, अगर दर्द हो रहा है तो ये दर्द के साथ स्टिफनेस भी हो सकती है, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, मूवमेंट डिक्रीज हो सकती है, और यहाँ तक कि आपको सीधा खड़े होने में प्रॉब्लम भी आ सकती है। इन सबको बेसिकली लो बैक पेन कहा जा सकता है। और लो बैक पेन लंबे समय तक होगा तो क्रोनिक हो जाएगा। क्रोनिक इज लंबा समय, राइट। एक्यूट इज शॉर्ट ड्यूरेशन। सो लंबा समय क्रोनिक क्यों होगा, सबसे बड़ा सवाल, क्यों क्यों क्यों। सो पहली चीज तो ये बहुत कॉमन है, सबको होता है, बता चुके हैं क्यों होगा। सी, ज्यादातर लोगों में कोई एक सिंगल कारण नहीं होता, रिमेंबर दिस, एक सिंगल कारण क्या, सिंगल इवेंट नहीं होता। हमें लगता है कि हम झुके, हमने भार उठाया और हमें लो बैक पेन हो गया उस पर्टिकुलर मूवमेंट की वजह से, बट ज्यादातर लोगों में ऐसा नहीं होता। आप काफी समय से काफी ज्यादा एक्टिविटीज कर रहे होंगे चीजें उठाने की गलत तरीके से, चाहे जिम में, चाहे घर में, चाहे रोड पे, चाहे कहीं भी, चाहे काम पे, आप चीजें गलत तरीके से, गलत पोस्चर से उठाने की कोशिश कर रहे थे, कर रहे हैं रेगुलरली, तभी रेगुलर रेगुलर रेगुलरिटी में लंबे समय में फिर एकदम से जब आपने एक बार कहीं पे झुके, कोई चीज उठाई, किसी चीज को लोने के लिए वहां गए और एकदम से आपको दर्द शुरू हो गया, तो आपको लगा उसकी वजह से, नहीं, ये पूरा साइकिल है, राइट। ये एक दिन का खेल नहीं है, ये लंबे खेल है, लंबा खेल है, राइट। सो दैट इज अ रीजन, ओके। और कुछ लोगों में क्रोनिक लो बैक पेन का कारण होता है आर्थराइटिस, जिसमें के आपकी जॉइंट्स जो है, बोन्स जो है, उनके इंफ्लामेशन हो रहा है, वहां पे जॉइंट आर्थराइटिस हो रहा है, बोन आर्थराइटिस। सो ये होता है। दूसरों में वेयर एंड टेयर होता है, हो सकता है आपके स्पाइन का वेयर एंड टेयर क्यों होगा। अगर आप रेगुलरली कोई हैवी काम करते हैं, या आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, या काम ही आपका हैवी है, या रेगुलरली आपको इंजरीज होती है, इंजरीज के बाद हो सकता है कि स्पाइन में वेयर एंड टेयर हो जाए, फ्रैक्चर के बाद हो सकता है, सर्जरी के बाद हो सकता है, उन सब कारणों से दर्द हो सकता है, बिल्कुल। और आपको डिस्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, जी हाँ, सबसे कॉमन, सबने सुना है, राइट। यहां तक कि देखिए, लोग कहते हैं, ऑर्थोपेडिशियंस भी कहते हैं कि एक उम्र के बाद, मतलब 40-45 के बाद, अगर सबकी हम एक्सरे या एमआरआई करेंगे तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे, आधे से ज्यादा 90% लोगों को डिस्क हर्निएशन कुछ ना कुछ लेवल पे होगा, मान भी सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली पोस्चरल प्रॉब्लम, उठाने पुटाने का प्रॉब्लम सभी में, लेकिन एक कारण हो सकता है डिस्क प्रॉब्लम, राइट। डिस्क प्रॉब्लम में क्या होता है, आपके स्पाइनल कॉलम में, स्पाइन में पीछे वर्टिब्रल कॉलम में जो हड्डियों के बीच में स्पेस है, जो उस भी उसके बीच में डिस्क है, और हड्डियों के सामने जो पीछे साइड में नस है, नर्व है, कैनाल होती है, उस कैनाल के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें से नसें निकलती है और डिस्क होती है। डिस्क जो होती है वो हर्निएट हो जाती है, हर्निएट होके उस कैनाल को दबाती है या उस नसों को दबाती है। तो नस को दबाना या कैनाल को दबाना, दबने में कंप्रेशन हो रहा है, नर्व कंप्रेशन में प्रॉब्लम होता है,
और डिस्क बार बार उम्र के साथ या ड्राई हो जाने से डिस्क पतली हो जाती है, और पतली होके धीरे धीरे उसमें स्पाइन मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। रिमेम्बर दैट, राइट? ये उम्र के साथ तो होता ही होता है, साथ ही और भी कारणों से होता है, कारण भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर डिस्क हर्निएट हो रही है और आपके स्पाइनल कनाल को या किसी स्पाइनल नर्व को दबा रही है, तो आपको होगी दिक्कत, क्योंकि उस कनाल में या नर्व में होगा डीजेनरेशन, नर्व होगी डैमेज। तो डीजेनरेटिव स्पाइनल डिजीज होती है उसके वजह से, डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज भी कहते हैं इसको। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इशू है, ये सारे हुए कारण। इसके अलावा और भी कारण है, बिल्कुल है, जैसे कि अगर आपकी स्पाइन का कर्वेचर ही खराब है, कर्वेचर ज्यादा कर्व हो गया या टेढ़ा हो गया, यानी स्कोलियोसिस है या काइफोसिस है, इनको कहते हैं कर्वेचर ज्यादा हो गया, या फिर वो आड़ा टेढ़ा ना, लेफ्ट साइड में राइट साइड में ज्यादा डिप हो रहा वो, और कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे फाइब्रोमायल्जिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनकी वजह से हो सकता है। या इवन एक मसल है आपके बट्स के पास जो पायरीफॉर्मिस मसल जिसे कहते हैं, उस मसल के वजह से पेन होता है, उसको कहते हैं पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम, उसके वजह से भी होता है। सो ये पॉसिबल है कि वहां ज्यादा हम बैठ रहे हैं, वो भी दिक्कत करती है, राइट? दैट इज वन इश्यू। तो क्यों होता है, क्यों होता है, किसी किसी में क्यों होता है, किसी किसी में क्यों होता है, बेसिकली आपके रिस्क कौन बढ़ाता है? आप कैसे पता आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियसली पोस्चर एक बड़ी चीज है, उसके लिए आप हमारा पोस्चर वाला वीडियो देखिएगा, पोस्चर बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करके यूट्यूब पे, वो मिल जाएगा। बट रिस्क कौन बढ़ाता है? आपका रिस्क बढ़ाती है आपकी उम्र। अगर आप 30 साल के ऊपर है आपका रिस्क बढ़ेगा, अगर आप ओवरवेट है आपका रिस्क बढ़ेगा, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप ओवरवेट हो गए तो आपका रिस्क बढ़ेगा, बेसिकली, राइट? प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना ख्याल रखना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका रिस्क बढ़ेगा, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं डिप्रेस्ड हैं बिल्कुल रिस्क बढ़ेगा। स्ट्रेस डिप्रेस आदमी कहाँ ध्यान देता है, वो कैसे चल रहा है, कैसे चीजें उठा रहा है। सो स्ट्रेस डिप्रेस आपका रिस्क बढ़ेगा। अगर आप स्मोक करते हो, सिगरेट पीते हो, बीड़ी तंबाकू, तो आपका रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि स्मोकिंग में अपने आप में ही जो डीजेनरेटिव चेंजेस है वो अपने आप आ जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी डिस्क हर्निएशन, थोड़ा सा भी प्रेशर होगा, तो डीजेनरेशन जल्दी होगा। तो स्मोकिंग इज वेरी बैड। और अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा काम है, कोई जॉब है जिसमें कि आपको सामान उठाना पड़ता है, हैवी सामान उठाना पड़ता है, या आप वेट लिफ्टर है, जिम जाते हैं रेगुलरली, या आप कोई बेंडिंग का ट्विस्टिंग का कोई काम जिसमें आपको झुकना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है बार बार, ऐसा कुछ करते हैं, या फिर आपकी पूरी बॉडी बार बार वाइब्रेट होती है, मान लीजिए आप ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, व्हाटएवर, तो पूरी बॉडी बार बार वाइब्रेशन, इन सब कारणों से आपको हो सकता है क्रोनिक लो बैक पेन। क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? मान लीजिए आपको डल एकिंग, मध्यम मध्यम दर्द हो सकता है, किसी को शार्प दर्द हो सकता है, एकदम तेज दर्द हो सकता है, किसी को टिंगलिंग नमनेस हो सकता है, किसी को बर्निंग सेंसेशन होता है पैरों में, या कहीं पे नीचे तलवों में, कहीं किसी को पीठ में, किसी को वीकनेस हो सकती है पैरों में या फीट पे, राइट? सो हर एक में सिम्टम थोड़ा अलग होता है और हर एक का पेन थोड़ा थोड़ा अलग होगा, और कई लोगों में माइल्ड होगा, कईयों में बहुत ही तेज होगा, और ये डिपेंड करेगा आपका पेन का कारण क्या है उस पे, कि आपका पैर में दर्द होगा या हिप में दर्द होगा या पैर के फुट के बॉटम में दर्द होगा कहाँ, तो ये भी डिपेंड करता है किस लेवल पे कहाँ पर इश्यू है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल्स और वहां से निकलने वाली नसें ही इन जगहों के पेन को या इन जगहों के सेंसेशन को मैनेज करती हैं, राइट? सो ये लेवल डिपेंड करेगा। तो एमआरआई के लेवल देख के थोड़ा आइडिया आ जाता है एमआरआई करने से, क्योंकि डिस्क से नसों पे दर्द, कौन सी नस पे दिक्कत है वो एमआरआई पे पता चलेगा, राइट? और सीटी स्कैन में हड्डियां दिखती हैं, एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए एमआरआई चाहिए। ओके, सो एग्जामिनेशन बात आती है टेस्ट की,